पंजाब जो साडे हलके दे विच दूसरी बार लगातार पहुंचे ने। सो दिल दीआं गहराइयां तो सारे हलके वालों जिले वालों पूरे पंजाब वालों इन्हां दा तहे दिलों स्वागत करदे आं, धन्नवाद आखदे आं शाही मां पंजाब जी। संताली तो बाद जिला पटियाला दे तहसील पातड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी। सन 1974 के बाद पहली बार नमाज अदा करने जा रहे हैं पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान लुधियानवी जी इस मस्जिद में। 1974 के बाद अब आबाद होने जा रही है ये मस्जिद। आप देख रहे हैं मस्जिद की लाइव तस्वीर। सन 1974 की ये पुरानी मस्जिद है। आप देख रहे हैं मस्जिद की लाइव तस्वीर। हाँ मस्जिद देख सकते हैं। आज इस मस्जिद में मैं नमाज अदा की जा रही है। आज़ाद भारत दे विच पंजाब जिहड़ा है मुढ़ तो आपसी भाईचारे की सांझ है। पंजाब पहली पातशाही दशमेश पिता साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जो मुल्क दे लई और पूरी दुनिया नूं जिहड़ा संदेश दिता और जो अजीम कुरबानिया की जिहड़ी रिवायत जिहड़ी उह कायम कीती उहदे विच सब तो बड़ी गल जिहड़ी उभर के सामने आती है वह भाईचारक सांझ की है, सर्व सांझी वार्ता की है। तो अज पंजाब नूं इक वारी फिर मैं समझदा हाँ कि पूरे देश दे लई पंजाब जिहड़ा इक नमूना है। अज इस पिंड दे विच नमाज अदा कर रहे हैं और मैं समझदा कि बड़े वडभागे ने इत्थे दे लोग भी और इत्थे दा भाईचारा भी जिन्हां ने वड्डे दिल दे नाल इस उपराले नूं नेपरे चाड़िया और मैं दुआ करदा हाँ कि पूरे देश दे विच आने वाला समा जिहड़ा है वह सफला होवे और पंजाब जिहड़ा है मिसाल बन के उभर जाए। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਸਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਣਗੋਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ
तो इसलिए एक गल नूं याद रखना चाहिए कि जिहड़ियां भी कौमां या जिहड़े भी लोग या जिहड़ी भी मिट्टी जिहड़ी है वह उदों तक अपनी होंद च रहिंदी जद तक उहदी मां बोली सलामत रहिंदी है। तो इसलिए पूरी दुनिया च वसदे पंजाबियों नूं चाहिए भावें उह जिहड़ी मर्जी सिख्या च अपने बच्चों तालीम हासिल कर उच्चे मुकाम तक पहुँचन, लेकिन अपने घर अपने व्यवहार के अपने व्यापार अपनी लेन देन दे विच पंजाबी मां बोली नूं जिंदा रखन। जद तक साडी मां बोली जिंदा है तद तक पंजाब जिहड़ा पंजाब विच कई जगह वक्फ बोर्ड दीआं जमीनां दे उत्ते कब्जे होए होए ने, इन्हां नूं लै के मुस्लिम फ्रंट पंजाब वक्फ बोर्ड दीआं जायदादां नूं लै के मुस्लिम फ्रंट ने भी बहुत संघर्ष किया। मुफ्त साहब मेरे नाल मौजूद ने, समय समय सिर सरकारां आउंदियां ने और पंजाब वक्फ बोर्ड जिहड़ा है बनाया जांदा, लेकिन कोई ढुकवें नतीजे हजे तक जिहड़े आ सामने नहीं आए। बीते दिन ही नवीं सरकार ने भी एडमिनिस्ट्रेटर साहब लाए ने एम एस फारूकी साहब, उम्मीद करते हैं कि आने वाला समा जिहड़ा है वह मुसलमानों दी जिहड़ियां तकलीफां वक्फ बोर्ड नूं लै के ने वह दूर होणगीआं। जदों देश दे विच हालात ने जिहड़े वह साजगार नहीं, धर्म के नाते लोगों नूं वंडियां पाईआं जा रहीआं ने, इहदे संबंध दे विच की कहना चाहोगे? असल दे विच की है कि सियासतदानां दा जिहड़ा असल टीचा हुंदा है वह सरकार दे विच रहना हुंदा है, और लोगों को एक गल समझ लेनी चाहिए कि बहुत सारे लोग धर्म के नाँ पर वोट मंगते पे ने, जबकि वोट जी है वो धर्म के नाँ पर नहीं होनी चाहिए, वो अगले की कारगुजारी के उत्ते होनी चाहिए। तो मैं पूरे देश के लोगों को भी यही कहना चाहना कि जिस पासे भी असी जाइए जेडे भी सियासतदानों असी ताकत देना चाहिए, घट्टो घट्ट यह जरूर सोचिए अगर कोई बंदा सिर्फ धर्म का नाँ लैके सानू वर्गलाना चाहता है तो यह मैं समझता कि अच्छी रिवायत जी नहीं। पंजाब के हालात में जिम्मे समय लोगों थोड़ी जी अपील की है, पंजाब भाईचारक सांझ जी बड़ी मजबूत है बनी हुई है आपस के, ये जरूर होंगे कि कई बार सानू लगता है कि हालात जोड़े खराब होने लगे, लेकिन अगर सर्व धर्मों के लोग अपने अपने धर्म की अपने विच रह के राखी कर और अपने धर्म के उत्ते सिद्धांतों के उत्ते चलन, तो मैं समझदा कि किसी भी धर्म का आपस टाकरा वो नहीं होगा। हमेशा जब कोई बंदा अपने धर्म को छड़ के दूसरे धर्म से कोई किंतु परंतु करने की कोशिश करता है या किसी दूसरे धर्म के लोगों का धर्म परिवर्तन कराना चाहता है, उत्थे कितने कितने जरा खतरा होता है। सुबेन दे सारे साथियों नूं आज ये मजीदाबाद हुई है। सन 1974 के बाद इस मस्जिद में नमाज अदा की जाएगी। अभी इस तरह का एक मिसाल पेश की जी संसार पदर से विचार चर्चा हुई है अज की जी जिस तरह मुस्लिम भाईचारे के हवाले और पंजाब की जी सबत है पंजाब की तहजीब है पंजाब के लोगों का प्यार कितने भी माड़े और चंगे दिन आए हैं जी, पर पंजाब की जी तहजीब है पंजाब की मोहब्बत है वो हमेशा ही।